गोभी के पराठे हो, सामने ऐसा नजारा हो, तो संडे का दिन हो। संडे का दिन हो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेट एंड ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है सारे लोग पहले तो अच्छे होंगे, सभी को बहुत सारा प्यार। तो आज अपनी जो प्लानिंग है वो है जनेश्वर मिश्र पार्क जाने की, जो कि बड़ा फेमस पार्क है लखनऊ का। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे अपनी गाड़ी धुलवाने, क्योंकि साड़ी गड्डी खलोती नू काफ़ी चिर हो गया है, ते गड्डी दे उत्ते झम गई है एनी क धूल एनी। ते पहले असी गड्डी धुआवेंगे अपनी, उसके बाद हम जाएंगे जनेश्वर पार्क। अपना प्लान है एज अ पिकनिक, वहीं पे हम अपना हमने पराठे बनाए गोभी के, वही खाएंगे मस्त लेक के किनारे बैठ के, और फिर देन हम सिस्टम की चाय पियेंगे, फिर अपने घर आएंगे। तो आप बने रहिए और वीडियो पूरी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ कहीं आसपास में कार पार्किंग सॉरी कार वॉशिंग है, तो वहाँ अपने पहले अपनी गाड़ी धुलवा लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आज का यह ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जाना होने होने वाला है। और हम बहुत फेमस जगह जा रहे हैं, लखनऊ की जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि एक सपा के बहुत बड़े नेता थे। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आगे। मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही थी, बाहर खड़ी रहती है। बाहर कुत्तों ने तीन कवर फाड़ दिया, ने तीन पहले एक घर से लाया था वो भी फाड़ दिया, फिर दो कवर नए मंगवाए वो भी फाड़ दिए। तो बाहर खड़ी रहती है तो बहुत गंदी हो गई। हमने सोचा आज गाड़ी अपनी पहले धुलवा लेते हैं, फिर जाएंगे घूमने। तो गाइस हमारी गाड़ी हो गई एक नंबर, बिल्कुल इन्होंने चमका दिया अंकल जी ने मेहनत करके। 300 रुपये लिए हैं पर मुझे वर्थ लग रहा है उनका 300 रुपये का, एक नंबर हो गई। तो गाइज हम एंटर कर चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क में, और ये देखिए टैंक खड़ा है, टैंक हमारे इंतजार में, एक उधर खड़ा है। यार बहुत बड़ा होता है टैंक, बड़ा फुहारा बंदे ही वाला वो चल रहा है यहाँ। और ये है पार्क में हम एंटर कर चुके हैं, काफी भीड़ है, संडे है ना। अच्छा लगा टैंक आपको? ये बताओ क्यों बानी टैंक की सवारी करोगी? ये मैप लग रहा है पार्क का पूरा, इसमें बता रहा है इसके 6 गेट है, मेन गेट यही है इधर वाला जहाँ से हम एंटर हुए। लोग बाग सुबह ही आ जाते हैं यहाँ लेट मारने, संडे अंडे के दिन पूरे में देख सकते हैं आप। बहुत बड़ा पार्क है भाभी में, बहुत सुंदर पार्क है। सब लेट लगा रहे हैं, कोई पेड़ के छाँव के नीचे, कोई कहीं। ये फैमिली आई हुई है, पत्ते खेल ली है, जुआ खेल ली जुआ। तो गाइस हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, पूरी लेक ही है यहाँ पे, नेचुरल नहीं है ना, मैन मेड है। तो मैन मेड चीज़ तो कैसे भी आदमी उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है, बाकी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है पूरा नज़ारा इधर का, बहुत सुंदर पार्क है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है आज हम थकने वाले हैं, क्यों बन ऐसा लग रहा है दुबई में आ गए हम। ऐसे पेड़ दुबई में ही होते हैं ना गाइस, बताने वाले ठीक है। अरे मैं कहाँ नहीं गया। कुकरी। तो अगर आप मतलब आप थक जाओ ना। अच्छा हम चल रहे हैं नदी किनारे, और ये भी चलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप काफी अच्छा लग रहा है। देखो ट्रैक पे चल रहे हैं हम पूरा नदी के किनारे,
बीच में पुल भी है इसमें बना हुआ, पुल पे भी जाएंगे अभी हम। और बहुत दूर तक ये लेक बनी हुई है, काफी दूर तक। वहाँ शायद मछलियाँ हैं, जहाँ वो लोग खड़े हैं वो मछलियों को खाना खिला रहे हैं। बहुत पुण्य मिलता है मछलियों को खाना खिलाने से। इंडियन लोग ना अपनी हरकतें दिखाने से बाज नहीं आते। देखो इतनी सुंदर लेक है ये, और इसमें डाल दिए कोल्ड, यहाँ पे पानी की बोतल उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल रखी है, यहाँ पानी की बोतल डाल रखी है। तो मतलब इंडियंस ना ये इंडियंस को ना मतलब सिंगापुर जैसा रूल मिले ना, इसमें च्युइंगम भी नहीं थूक सकते आप सड़क पे। भारी जुर्माना है लगभग 20,000 का। मेरा भाई रहता है वहाँ तो उसने बताया 20,000 रुपये का जुर्माना है सड़क पे थूकने का, मतलब इंडियन करेंसी में 20,000 होते हैं वो। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट यहाँ रूल लगा देना तो ये औकात में आ जाएंगे। मतलब ये बाहर देशों में जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग बढ़िया चलते हैं, और यहाँ इंडिया में रहते हैं तो मतलब वही बदतमीजी पे। यहाँ मछलियाँ हैं, लोग बाग इन्हें खाना खिला रहे हैं, देख सकते हैं। गोल्डन है, गोल्डन। एक मछली अभी कूद कूद के जा रही थी। लट चल गए इनका आपस में। बानी तुम भी अपना गोभी का पराठा दे दो इन्हें। है बानी तुम भी अपना गोभी का पराठा जो टिफिन में लाई हो दे दो इन्हें। तो देखिए वहां दूर आप देख पा रहे होंगे वहां पुल है, कितने लोग खड़े हैं उस पुल पे। और कैंटीन बनी हुई है इसमें, और मतलब संडे के दिन आप जाओ आपको ये ड्रेस वाले बच्चे जरूर मिलेंगे कहीं भी। आप हमारे पिछले व्लॉग में देखना, इमामबाड़ा में जब हम लोग थे तो वहाँ भी मतलब बच्चे घूम रहे थे, और आज यहाँ भी बच्चे घूम रहे हैं। मतलब संडे के दिन बच्चों को घुमाया जाता है इन पार्क में। इन पर पानी कैसा लगा तुम्हें? मतलब हम तो सर्दियों में यही आएंगे अब। संडे के दिन बनाया सुबह, खाना बनाया सुबह, एक चटाई ली, और हमारे रूम के पास भी है ना, तो मस्त यहीं आएंगे सुबह ही सुबह, आराम से यहीं बैठेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड में घूम रहे हैं। इंग्लैंड में ऐसे ही पार्क होते हैं ना, इंग्लैंड में या फॉरेन कंट्री में। इतना सुंदर यार, कितना मज़ा आ रहा है। मतलब एक बार अगर आप लखनऊ आए ना तो यहाँ मतलब इन ऐसे पार्क्स में ज़रूर विजिट करें। हरियाली हरियाली चारों तरफ आ रहा है यहाँ पे, इनके नीचे आके इन पेड़ों के। मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है, बाहर धूप में गर्मी लग रही है, ऊपर से मैं जैकेट पहन के आ गया। मैं मतलब दो हिसाब की पहन के आया था, आधी बाहों की और आधी बाहों की है, कि मतलब ठंड भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे। पर गर्मी लग रही है यार धूप में आज। अरे फोटो खींच, पानी की बोतल भूल गए घर, तो हम जा रहे हैं कैंटीन। यहीं सामने कैंटीन है, वहाँ से पानी की बोतल खरीदेंगे और मस्त मोटे मोटे बनाएंगे और पियेंगे। मोटे मोटे आई थिंक सामने है कैंटीन। ये दूसरा सेक्शन है यहाँ का, थोड़ा मतलब लेक से हम अंदर की साइड आ गए। पानी बोतल ले लिए, पानी की बोतल ले ली है, और टकाटक ले लिया एक। अब कहीं जगह देखते हैं, बैठते हैं, अपने पराठे खाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे स्कूल में नहीं ले जाते थे हम लंच छोटे छोटे, और ग्राउंड में बैठ के खाते थे लंच टाइम में। नहीं हम तो जैसे खेत में कभी कुछ काम होता था ना, और खाना खाने का हमारा था, तो हम तो खेत में जाके मतलब वही खाना खाते थे, बड़ा मजा। हम भी ऐसे करते थे, जब गन्ने बोने का सीजन होता था तो गन्ने बोवाते तो नहीं थे, खाना लेके जाते थे घर से, और जो बोरे होते थे उनके ही साथ बैठ के खा लेते थे। धूप में मन ही नहीं करता था गन्ने बोने का। यह मकड़ी का जाला, बच्चे इस पर चढ़ रहे हैं। कुछ तो फंस गए अंदर बेचारे, बचपना याद आ गया यार सच में। अब लगने लग गया मैं भूख, तो कहीं देखते हैं ठिकाना बढ़िया सा, और फिर वहाँ बैठेंगे, अब गोभी के पराठे फाड़ देंगे, मतलब सॉरी खा लेंगे। ये मेहंदी के पेड़ हैं, औरतें चुरा रही हैं। बताओ ये कहीं भी मतलब बाज नहीं आएंगी इंडिया की औरतें। आगे पुल पे, अब
देखो तो हम बैठ गए हैं, अब करेंगे हम अपना लंच, मस्त घूम के थक गए। तो बानी तो तुम अपना टिफिन खोलो और यहाँ बैठ के हम करेंगे आराम से लंच, मस्त पिकनिक एंजॉय करेंगे। तो चलिए गोभी के पराठे दिखाते हैं हम कैसे बना के लाए हैं। तो हम पैक करके लाए थे इसी में अपने गोभी के पराठे, भूल गया कि क्या जरूरत है, घास ही इतनी अच्छी हो रही है, चटाई पे बैठोगे तुम। और ये गोभी के पराठे हैं और इसमें आम का अचार है घर का, तो ही पराठे हैं, कोई ज़्यादा डाइट पे है यार। और ये सामने लेक का नज़ारा है और हम बैठे हैं बिल्कुल बीच में, इधर भी कुछ नहीं सामने लेक टापू। ये मेरी कलाकारी है ना, मैंने पैक किए थे। अरे पैक करने वाले की कलाकारी देखो कैसे हो गए, उधड़े उधड़े से बीज या बुड्ढों की काल हो जाती है। तो टेस्ट बताओ बानी, मतलब मैंने बनाया तो आप बताओ ना। बढ़िया लग रहे हैं यार पराठे, गोभी के पराठे हो, सामने ऐसा नजारा हो, तो संडे का दिन हो, काम करने की ना टेंशन हो। पर संडे के दिन ना जितने भी ऑफिस वाले बंदे होंगे ना जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो एग्री करना है इस बात को, संडे के दिन से ही ना मंडे की टेंशन शुरू हो जाती है। सैटरडे तो कट जाता है वीकेंड्स का, बट संडे के दिन से ही ना मंडे की टेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है कि कल ये करना है, कल ये करना है, कल ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी उठना है, ये वो। तो यार आप वीडियोस लाइक करो यार, हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लखनऊ को घूम रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लखनऊ के नहीं हैं और उनके लिए चीज़ें नहीं हैं, ये सब देखना उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी उठेगी कि हम लोग भी जाएँ लखनऊ घूमने। लखनऊ बहुत अच्छा शहर है यार, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मिलनसार लोग हैं। तो चलिए अब अपना लंच एंजॉय करते हैं ऐसे व्यू के सामने। तो चलिए अभी ये अचानक से फुहारा शुरू हो गया, हम डर गए, पता नहीं क्या हुआ। वहाँ लोग बैठे थे उनके ऊपर गया पानी बहुत सारा, भाग गया इधर उधर को। बढ़िया लग रहा है यार नज़ारा। तो गाइस ये है मिग 21, क्या चीता लग रहा है, असली का है ये। हमने सारा घूम लिया, किड्स प्ले जोन, प्ले एरिया घूम लिया, जॉगिंग एरिया घूम लिया। बानी इसमें उंगली कर दो। सब भागते नजर आएंगे जितने भी लोग हैं यहाँ। तो गाइज हम लोगों ने घूम लिया जनेश्वर मिश्र पार्क, अब हम लोग जा रहे हैं सिस्टम बाबू की चाय पीने। भाई बढ़िया लगती है चाय सच में, मज़ा आ गया भाई सच में यार। अगर आप लोग लखनऊ आओ ना कभी या तो यार इसकी चाय टेस्ट करना, आपको अलग ही मतलब लगेगी यार ये चाय, मतलब कुछ अलग ही टेस्ट है यार इसकी चाय में, मतलब क्या बताऊँ, जैसा कैरामेल होता है ना उस टाइप का टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया चाय। सो गाइज आज हमने घूम लिया जनेश्वर पार्क भी और अच्छा इन्जॉय किया पूरे दिन, और जो भी मतलब वीडियो हमने शूट किया आप देखिए, इन्जॉय करिए, आपने इन्जॉय कराई होगा वीडियो को। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आगे प्लान करते हैं लखनऊ में अब कहाँ जाएँ। आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ जाएँ लखनऊ में, ये भी अच्छी जगह है घूमने की, तो आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी हम जाएंगे। तो चलिए थैंक यू, बताइए व्लॉग कैसा लगा, और बिल्कुल बताइएगा कमेंट में कैसा लगा व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो उनको दिल से धन्यवाद। ए सब्सक्राइब कर लो, ए मेरा मूड खराब हो जाएगा अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो, समझे, कर लो आप मूड, ए कर लो, मैं एक एक चुन चुन के मारूंगा, ठीक है, मेरी जवान ऐसे बाहर आएगी ता 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 करते घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, क्यों जी ये पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। तो ठीक है गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।